हेलो एंड वेलकम टू द सियासत डेली। और आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो मुद्दा त्रिपुरा में जो हिंसा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। काफी सोशल मीडिया से जानकारी जो है वो हासिल हो रही है कि त्रिपुरा में काफी ज्यादा वायलेंस हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान विरोधी जो हिंसा है वो त्रिपुरा में चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया का जहां तक सवाल है काफी कम कवरेज मिली है इस इंसिडेंट को। तो हमने सोचा कि हम ग्राउंड से जो लोग हैं, युवा है जो वहां पे काम कर रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि त्रिपुरा में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उस सिलसिले में हमने दो एक्टिविस्ट को आज अपने शो पर बुलाया है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रिपुरा से। तो इनका मैं आपसे पहले तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तान हुसैन जो कि SIO के स्टेट जनरल सेक्रेटरी है त्रिपुरा में, और उनके साथ हमारे साथ सॉरी हमारे साथ अंतरिप देवनाथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अंतरिप का जो अंतरिप NSUI जो कांग्रेस की छात्र विंग है, स्टूडेंट विंग जो है, उनके एक मेंबर है। तो मैं पहले सुल्तान आपके पास आना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला, जितनी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है त्रिपुरा से वो आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू। हम आप लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो हिंसा है, जो वायलेंस है, त्रिपुरा में कहीं कैसे हुई। सुल्तान, आप अपना माइक अनम्यूट करके मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, जब तक सुल्तान हमारे साथ वापस जुड़ेंगे, कुछ इशू आ रहा है उनका, तो मैं अंतरिप आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमें बता दीजिए कि क्या क्या सिचुएशन है त्रिपुरा में, और ये सारी जो वायलेंस है ये स्टार्ट कैसे हुई वहां पे। हाँ देखिए, जैसे कि हमारा जो त्रिपुरा ये स्टेट है वो बहुत छोटा स्टेट है वैसे, और इसके तीनों तरफ बांग्लादेश है, हमारा नेबरिंग कंट्री जो है। तो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज है, वहाँ पे मुस्लिम स्टेट है वहाँ पे। तो जैसे कि हिंदू लोगों का, जैसे बंगाली कम्युनिटी जो है उनका लास्ट मंथ को दुर्गा पूजा फेस्टिवल था, बहुत बड़ा फेस्टिवल। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दुर्गा पूजा फेस्टिवल में किसी मंदिर में या फिर किसी देव देवी के मूर्ति के पाँव में कुरान किसी ने रखा, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस साल को ही ऐसा हुआ। इस साल मतलब 2021 में दुर्गा पूजा फेस्टिवल में ही ऐसा हुआ। तो ये हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बांग्लादेश विदेश में इतने दिनों से हिंदू लोग रह रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम इतना फेस नहीं हुआ कभी। तो ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल एक उन लोगों का प्लान है, ये प्री प्लान है, ये बीजेपी का एक प्लानिंग है, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बस ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि अभी कोई इशू, बड़ा कोई इशू ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से देश के युवाओं को और जितना भी हम लोगों का जो डिमांड है देश के उन्नयन के डेवलपमेंट के बारे में, उससे ध्यान हटाना ही उन लोगों का अभी मेन इशू है। तो अभी तो कम्युनल डिसहारमोनी, वायलेंस, इसका मदद से ही हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसलिए ये पूजा में उन लोगों ने टारगेट किया कि हिंदू मुस्लिम करके हम लोग, क्योंकि सामने इलेक्शन आ रहा है, आपको पता है यूपी का इलेक्शन है, ये सब इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, सब चल रहा है। तो ये एक इशू ये लोग बना रहे हैं, और फिर वही जो आग है बांग्लादेश में लगा उसी को वो लोग त्रिपुरा में भी लगाने की कोशिश किए। जैसे कि बहुत सारे हमारे स्टेट में बहुत सारे मस्जिद को जला दिया गया, वहां पे जो पोर्क जो होता है मीट उसको फेंका गया, और फिर हमारे कुछ हिंदू मंदिरों को भी ये सब किया गया। तो हम लोगों के पता है कि ये कोई धार्मिक जो लोग हैं, जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं, मजहब पे विश्वास करते हैं, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये एक राजनीति है, एक गंदी राजनीति है, और
राजनीति को धर्म का रंग देके वो लोग चला रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ है ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग हिंदू मुस्लिम हमेशा भाई थे, भाई भाई रहेंगे जब तक ये देश है, जब तक हम लोग। तो अंतरिप आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ, जहां पे हिंदुओं को अटैक किया गया, तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। हाँ, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये करवाया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज को, तो वो लोग किसी भी तरह मैनिपुलेट करके ये सब करवाए हैं। मैं जो 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 आदमी क्राइम करता है उसका मैं मजहब जानना नहीं चाहता, क्राइम तो क्राइम होता है। अब जिसने भी ये किया है बांग्लादेश में उसको सजा होनी चाहिए, ये मुझे पता है। जो क्रिमिनल है उसका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जिसने क्राइम करवाया है वो उससे भी बड़ा क्रिमिनल है, तो उसके सख्त उसको भी सजा होनी चाहिए। जो ये मदद कर रहा है उन लोगों को फिनेंशियली और उनका पूरा ब्लूप्रिंट बना रहा है, उन लोगों को भी हम लोग चाहते हैं कि सजा जल्द से जल्द सजा हो। जो ये सब कम्युनल डिसहार्मोनी अनरेस्ट हमारे पूरे कंट्री में ये सब फैला रहे हैं, तो सबको पता है, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो लोग इतना भी मतलब नॉलेज है उनमें कि उनको पता चल रहा है कि रियलिटी है क्या, लेकिन किसी में वो हिम्मत नहीं है युवाओं में कि वो आगे आके ये बताए कि नहीं ये हो रहा है फिर वो हो रहा है, ऐसा है बात। मतलब एक डिसहार्मोनी कम्युनल हुई है। अच्छा ठीक है, जानबूझ के आपने काफी अच्छे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। तो मैं अब सुल्तान से पूछना चाहता हूँ। सुल्तान, मेरा आपसे सेम सवाल है, आप अपनी माइक अनम्यूट कर दीजिए। तो मेरा आपसे सेम यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये जो वायलेंस वहां पे शुरू हुआ है त्रिपुरा में और खत्म होने का अभी नाम नहीं ले रहा है, आपको क्या वजह दिख रही है इसके पीछे? देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उसको मुस्लिम्स लोगों ने भी कंडेम किया है, इंडियन मुस्लिम्स लोगों ने कंडेम किया है और हिंदू लोगों ने भी कंडेम किया है। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ये जो बांग्लादेश की हिंदू मैंने हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ का बदला यहाँ। और ये बात अगर गौर से देखें तो ये बात वहाँ का बदले की भी नहीं है, ये बात वहाँ का वहाँ पे जो हुआ है उसका रिटेलिएशन भी नहीं है। ये तो एक एजेंडा है, जो राइट विंग का एजेंडा है वो लोग माइनॉरिटीज को विजन है, माइनॉरिटी के लेके जो उनका जो सोच है, ये सोच बार बार जाहिर होता है, कभी त्रिपुरा में तो कभी आसाम में या तो कभी किसी दूसरे स्टेट्स में। तो इसमें पैटर्न है, उनको उनको मुस्लिम्स को सप्रेस करके रखना, मुस्लिम को सेकंड क्लास सिटीजन की तरफ धीरे धीरे लेके जाना, मुस्लिम्स अगर यहाँ पे रहना है तो एज ए सेकंड क्लास सिटीजन रहना है, ये उनकी प्राइमरी एजेंडा है। और बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ है उसको उसका प्रोटेस्ट के नाम पे जो हो रहा है ये तो बस एक बहाना है। और बहाने के साथ साथ क्योंकि 2023 में त्रिपुरा में इलेक्शन आ रहा है और ये तो उनके लिए एक बोनस पॉइंट भी है, इसका जो इसके चलते पिछले 7 दिनों में त्रिपुरा के बहुत हाँ सुल्तान, आपकी आवाज फिर से चली गई। पिछले परसों दिन में पानी सागर में जो रैली हुआ है उसके बाद एक मस्जिद को अटैक करने वाले थे ये लोग, मुस्लिम लोगों ने वहां पे सामने खड़े होकर डिफेंड किया है। इसके बाद वहां पे मार्केट में उन्होंने कुछ शॉप्स जलाए और पास में दूसरा मस्जिद जाके वेंडर किया। त्रिपुरा पुलिस अभी सोशल मीडिया पे डाल रही है कि मस्जिद को जलाया नहीं दिया गया, हालांकि वो फैक्ट्री जलाया नहीं गया, लेकिन बोलना चाहिए कि दूसरे साइड वाले मस्जिद जिसको वैंडलाइज किया गया है और शॉप्स को जलाया गया है। तो त्रिपुरा ऑफ रियल फैक्ट्स एंड फिगर टोटल 7 दिनों में कितना मस्जिद
वैंडलाइज किया गया है और को या फिर मुस्लिम रिनाउंड पर्सनैलिटी को के ऊपर अटैक किया गया, हिंदू मंदिरों को कहां पे अगर हुआ है तो मेरे पास प्रश्न नहीं है, अगर हुआ है तो कहां कहां ये त्रिपुरा पुलिस को रियल फैक्ट्स एंड फिगर सामने लाना चाहिए, ना कि त्रिपुरा पुलिस काल मुस्लिम लोगों ने जो मस्जिद को डिफेंड किया है उसको उस पे आज त्रिपुरा पुलिस जाके वहां पे जाके लोगों से बात किया, वहां का फोटो लेके बोल रही है यहाँ पे सब कुछ ठीक है जो। तो राइट विंग ग्रुप्स के साथ VHP और RSS बाकी लोगों के साथ त्रिपुरा, हम अभी भी त्रिपुरा पुलिस में विश्वास करते हैं, हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि त्रिपुरा पुलिस ये जो वायलेंस हो रही है उसको रोकने की कोशिश करेगी और इसको बहुत जल्दी मतलब जितना जल्द रुकेगी, और जिन्होंने ये सब वायलेंसेस किया है, जिन्होंने तोड़फोड़ किया है, जिन्होंने मुस्लिम सेंटीमेंट्स को आहत करने की ऐसे स्लोगन लाए जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ, उनको कार्रवाई करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करके सजा, इतना ही बोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये कम्युनल डिसहार्मनी की अभी अंतरिप ने बात की, क्या क्या इसके साइंस, क्या इसकी इसके पहले कुछ साइंस दिखे थे एक स्टेट में, या ये ऐसा पहली बार हो रहा है वहां पे त्रिपुरा में? देखिए, त्रिपुरा की हिस्ट्री में कम्युनल वायलेंस की कोई हिस्ट्री नहीं है, हिंदू के साथ मुस्लिम का छोटा मोटा जो वायलेंस नहीं, कोई राइट त्रिपुरा की हिस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन जब से त्रिपुरा नीति आया है लोगों के दिल में नफरत डाल रही है, मुस्लिमों के खिलाफ हिंदू के दिल में मुस्लिम के खिलाफ नफरत डाली जा रही है, जिसका नतीजा हम भुगत रहे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी ने त्रिपुरा में कदम रखा है तो वो लोग ये नफरत के जो बीज है वो वहां पे बो रहे हैं और लोगों के दिलों में नफरत क्रिएट करना चाहते हैं वहां पे? जी बिल्कुल, ये तो प्राइमरी एक्टिविटी है कि जहाँ पे बीजेपी जाए वहां पे नफरतें, लोगों के दिल में नफरतें डाले, धीरे धीरे ऐसे इतना नफरत डाल दे एक दूसरे के भी देखने के लिए ना। अच्छा, अंतरिप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप ताल्लुक रखते हैं NSUI, कांग्रेस के आप स्टूडेंट विंग है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ग्राउंड में अभी क्या काम कर रही है जिससे थोड़ा हालात थोड़े ठीक हो जाए वहां पे? जैसे कि आज जी, क्योंकि आपके लीडर राहुल गांधी जो है, आज उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने त्रिपुरा की वायलेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में कंडेम किया है। तो हम लोगों ने आज एक 8 घंटे का एक गण धरना रखा था हमारे जो त्रिपुरा कांग्रेस का जो भवन है उसका जो प्रेमाइस है उसके ऊपर ही हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाके कोई आंदोलन ये सब करने के लिए अभी गवर्नमेंट से अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोग वो लोग अलाउ नहीं कर रहे, तो हम लोग हमारे भवन के सामने ही एक मंच बना के वहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स थे सब लोग मिलके हम यहाँ पे एक गणा धरना किया, और वहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा था जो हम लोगों ने उठाया वो था कि कम्युनल हारमोनी जो है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक कैलाश शहर हमारा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आता है नॉर्थ में, वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है TPCC के वह लीडर जो है उनके एरिया में 2-3 मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर में जो मूर्ति ये सब होता है, फिर मस्जिद भी तोड़ा गया, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो ये सब डिसहार्मनी है इन सबको दूर करने के लिए NSUI ग्राउंड लेवल से काम कर रही है, जैसे कि हम लोग माइनॉरिटीज लोग हो या फिर हमारे हिंदू लोग हो सब लड़कों को मिला के हमारे जो सम्राट रॉय है हमारे जो NSUI के लीडर है उन लोगों ने सब स्टूडेंट्स के लिए सब स्टूडेंट्स को पास करवाने के लिए, जैसे कि सब लोगों को पता होगा कि एक ऐतिहासिक आंदोलन उन्होंने किया था सबको माध्यमिक में 10th में पास करवाने के लिए, तो वहां पे उन्होंने कोई कम्युनिटी ये सब नहीं देखा था, तो आज का जो गण धरना था वो भी हमारा मेन मुद्दा था कि वहाँ पे कि हमारा जो पीस हमें ये सब दूर हो, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए, ये सब हमारा यहाँ पे हम लोग गण धरना में हम लोग
इसके ऊपर सब लोगों ने लेक्चर भी दिया एक एक करके। तो हमें लगता है कि NSY यहाँ पे हारमोनी से ही काम कर रही है, सबको लेके काम कर रही है, और हम चाहते हैं कि पीसफुल हर कोई लड़का यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है हर कॉलेज में, इन सबके माइंड में ये सब ना रहे कि हम लोग हिंदू है, हम मुस्लिम है। सबसे पहले ये सोच स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए कि हम स्टूडेंट है, छात्र है, हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल कॉलेज में भर्ती हुए हैं, ना कि मजहब को लेके बात करने के लिए। अगर मजहब को लेके बात करना होता तो स्कूल कॉलेज में थोड़े ना, ठीक है ना, वही बात है। तो मुझे लगता आप मुझे ये बताइए जो त्रिपुरा की सरकार है, हाँ, सरकार सरकार को लेके आपके क्या विचार है कि सरकार क्या कर रही है वहां पे ये दंगों को लेके? क्या आप सेटिस्फाइड है जो सरकार कुछ एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है, या वो किसी एक कम्युनिटी का तरफ लेके बिल्कुल चुप्पी बैठी हुई है? हाँ, देखिए कि वो लोग हमेशा ही पार्शियलिटी कर रही है, हमेशा हमेशा से ही कोई एक कम्युनिटी को लेके पार्शियलिटी वो लोग कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग माइनॉरिटी के लिए कुछ अलग सा कर दिए या फिर हिंदुओं के लिए अलग सा कर दिए। वो एक्चुअली बीजेपी हमारे स्टेट में ना हिंदुओं का भी कुछ अच्छा कर रहा है, ना मुस्लिम लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर रहा है। अगर हिंदू लोगों के लिए वो लोग अच्छा करते तो हिंदू को थोड़े ना और का मीट मस्जिद में भेजने के लिए बोलते या फिर कम्युनल डिसहार्मोनी के लिए बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं करते। और मुस्लिम लोगों के लिए भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे, वो लोग ना किसी मजहब के वो लोग है ही नहीं, मजहब की अगर बात करें। और अगर डेवलपमेंट की बात करें, इन जितने भी साल हो गए इन लोगों को आए हुए, कुछ भी किए नहीं है। एक दो जगह पे दो तीन स्टैचू बनवा दिए, जैसे कि वो लोग करते हैं हमेशा, स्टैचू बनवाना ही उन लोगों का काम होता है। कुछ बना दिया, कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर दिए वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर कर दिए, ये सब दिखा दिए, फिर टेंडर वेंडर को सब निकाल दिए, पैसा वैसा बस ऐट लिए, वही उनका काम होता है हमेशा के लिए, दिखाना लोगों को दिखाना। और अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली खाली बर्तन की तरह होते हैं, बचते रहते हैं, वही बात है। और ना यहाँ पे कोई युवाओं के लिए कोई नौकरी ये सब की तो कुछ किया भी नहीं, कोई इंडस्ट्री बनवाया नहीं, लोगों को काम कैसे मिले? और सरकारी नौकरी ये सब अभी तो मैंने सुना है कि आज जैसे कि क्लर्कसी और डी के लिए लोग बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उसके पास पासपोर्ट हुआ तो ये कैसा हुआ? हमारे इंडिया का जो वैकेंसी है वो लोग भर नहीं पा रहे, बाहर से लोग भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको इंडियन को देना चाहिए। तो मतलब कुछ भी ठीक नहीं। वो मोहम्मद बिन तुगलक की बात मुझे याद आती है, जो तुगलक एक बार दिल्ली से इधर ले जाते थे कैपिटल, एक बार उधर ले जाते थे कैपिटल। मतलब उनको, आपको तो पता ही होगा ना तुगलक को मतलब कैसे मानते थे सब लोग। तो वही है, वही तुगलक का राज्य अभी चल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा राज्य अभी चल रहा है, तुगलक की राज आप इसको कह रहे हैं। हाँ हाँ वही है। अच्छा चलिए, मैं सुल्तान की तरफ आना चाहता हूँ। सुल्तान आप अपना माइक ऑन कर दीजिएगा। तो सुल्तान मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ कि जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट जो है वो इस वायलेंस को लेके उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं अभी तक? आपको, आप क्या संतुष्ट है एज अ स्टूडेंट लीडर, एक युवा एक्टिविस्ट, क्या आप संतुष्ट है जो जो भी स्टेप्स वहां पे जो सरकार है, बीजेपी की सरकार वहां की, वो जो ले रही है, आपको लग रहा है कि वो सीरियस है इस वायलेंस को रोकने में, मुसलमानों की जाने बचाने में और ये दंगे बचाने में? क्या उनका क्या रोल है इसमें? ये सवाल का मैं क्या जवाब दूं? देखिए, बीजेपी जो सरकार है वो कभी किसी दंगे को रोकी है क्या? इनका जो ये दंगे कराए जा रहे हैं, ये क्यों कराए जा रहे हैं? जितने जगह पे मुस्लिम्स के ऊपर अटैक होते हैं, चाहे ये मॉब लिंचिंग हो, चाहे दूसरा चीजें हो, सरकार हमेशा चुप रहती, सरकार हमेशा चुप रह के ये जाहिर करती है कि हाँ, हमारा साइलेंट हाँ है आपके साथ। और इनफैक्ट सरकार के जो फॉलोअर्स है, जो उनका सपोर्टर है, जो उनका वर्कर है, वो लोग उल्टा किसी भी वायलेंस का या फिर किसी भी क्राइम का सपोर्ट में रैली नहीं करते, ये हमने पिछले कुछ सालों से देखा है। तो यहाँ पे भी सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन उनके उनका जो सपोर्टर लोग हैं, जो वायलेंस चल रही है, मस्जिदें जल रही है, इनका वीडियो वो लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन है। अच्छा, तो कुछ उम्मीद है नहीं हमारा। आप
कह रहे हैं कि बीजेपी के जो वहां के लोग हैं वो एक्चुअली इन दंगों से जो है वो उनसे फायदा उठाना चाहते हैं और वो खुश हैं। वो ऐसे वीडियोस जो जो कि काफी वरिंग बात है, वो ऐसे वीडियोस शेयर करके लोगों में मतलब सीना तान के चलते हैं कि देखो जी हमने ये सब करवाया, तो वो खुश है। बता दीजिए। अच्छा, आपका माइक ऑफ हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो वहां पे लोग हैं वो ये सारी हिंसा से खुश हो रहे हैं और इनको इनफैक्ट शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे एज अ मार्क ऑफ देयर सक्सेस। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा सुल्तान, आप हमारे ऑडियंस के लिए आप हमें थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है वहां पे? जी बिल्कुल, मेरे पास रिपोर्ट है, मैं कंपाइल किया हूँ। मैं पिछले 7-8 दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ इन सब इंसिडेंट को और मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश की है। गोमती त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर में 21 अक्टूबर को दुर्गा बाजार मस्जिद को जला दिया गया, बहुत सारे शॉप्स को वेंडलाइज किया गया, इसके बाद वहाँ पे 144 जारी कर दिया गया। महारानी उदयपुर एरिया में कुछ मस्जिदों को वेंडलाइज किया गया। वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर चंद्रपुर अगरतला डिस्ट्रिक्ट अगरतला मस्जिद जो कि त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर को वेंडलाइज, रामनगर 6 अगरतला सिटी में है उस मस्जिद को वेंडलाइज किया गया 21 अक्टूबर को, मस्जिद की ग्लासेस और सीसीटीवी को तोड़ दिया गया। नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 21 अक्टूबर को ऑफिस टिला मस्जिद को वेंडलाइज किया गया। टाउन मस्जिद पे वार्निंग दिया गया कि आप आजान नहीं दे सकते हैं। एडवोकेट अब्दुल बासित खान जो कि धर्मनगर के सागर में 31 अक्टूबर को एक मॉस्क को जो रीजनल स्पोर्ट्स स्कूल के पास है उसको जला दिया गया 31 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को पानी सागर, 26 अक्टूबर को रोवा पानी सागर में एक हुंकार रैली ऑर्गेनाइज किया गया बीएचपी और आरएसएस द्वारा, जहां पे एक मस्जिद को अटैक करने वाले थे लेकिन मुस्लिम लोगों ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ ही दूरी में 4-5 शॉप्स को जलाए और 2 घर पे मुस्लिम घर पे हमले किए, इसके बाद एक नियर बाई मस्जिद पे जाके वेंडलाइज किया। पानी सागर में रोवा, ये तो बोल दिया 26 तारीख। उनाकुटी त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद होस्टेड एट रिनाउंड मुस्लिम बिजनेसमैन अब्दुल मन्नान हाउस एट कैलाशोर उनाकुटी डिस्ट्रिक्ट। 19 अक्टूबर को जिस दिन ईद मिलादुन्नबी थी, विश्व हिंदू परिषद कैलाशोर टाउन बाजार मस्जिद के गेट के सामने होस्ट किया कर दिया गया। 22 अक्टूबर को जुम्मे के बाद पाल बाजार मस्जिद को वेंडलाइज कर दिया गया और एंड एवलेज दिस मॉस्क एट नाइट, रात को उसके इसको जला दिया गया। मॉब स्टोन पेल्टेड टू राजबारी जमा मस्जिद बट फोर्स समहाउ प्रोटेक्टेड दिस मस्जिद। 22 अक्टूबर को एक हुंकार रैली निकाला गया बाई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एंड हिंदू युवा वाहिनी। एमएलए सुधांशु दास गेव एंटी करने के लिए वहां पे कुछ वहां से कुछ लोग दूसरे जगह टाउन पे चले गए थे, उनको वापस बुलाने की कोशिश की जो मीडिया में आया है। इसके बाद दशमी के बाद 15 अक्टूबर को हिंदू मॉब अटैक सम मुस्लिम्स हॉकर एंड फोर्स देम टू लीव पाल बाजार एरिया, जिसकी बात अभी कर रहा था। 21 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को हुंकार रैली कैला शहर में निकाली गई थी। 23 अक्टूबर रात को एक बेकारी शॉप जो कैलाशहर थाना के पास है, जो जिसका ओनर शमीम अहमद है, उनका शॉप को वेंडलाइज कर दिया गया। सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट में विशालगढ़ में 23 अक्टूबर को एक मस्जिद जो नारावड़ा टीला में है उसको रात करीब 10 बजे के आसपास को पूरा जला के राख कर दिया गया। बॉक्सनगर में 23 अक्टूबर को उसी रात में एक कलमचौड़ा मार्केट में एक मस्जिद को वेंडलाइज कर दिया गया। ये है पूरी रिपोर्ट जहां जहां पे मॉस्क को और ये वेरीफाइड रिपोर्ट है, वेरीफाइड रिपोर्ट हमने कंपाइल किया है। जो वेरीफाइड हमारे पास नहीं आया उसको हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया। हमारे पास और भी खबर है, और भी कुछ मस्जिदों पे अटैक्स हुए, वेंडलाइज हुए, लेकिन वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ नहीं पा रही है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स को ग्राउंड में ही दबा दिया जा रहा है
और वहाँ पे कोई हमारा एक्सेस भी नहीं हो पा रहा है बाहर से, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन को वेरीफाई या फिर लाने की भी पॉसिबल नहीं हो रही। जी, तो जितने आपने ये हमें इंसिडेंट्स बताए इनसे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन काफी टेंस है आप वहां पे त्रिपुरा में, और काफी बुरे हालात है। देखिए कल जी, कल अब्दुल मन्नान जो है जिनके घर पे अटैक हुआ था, कल उनके घर पे वापस अटैक हुई थी, इसके बाद पुलिस गई वहां पे, और इसके बाद कल से कोई मस्जिद नहीं आई, तो लग रहा है अब सिचुएशन थोड़ा शांत हुआ है। लेकिन ये भी लगा था 26 तारीख से ये वापस स्टार्ट हो गया था, तो तब हम समझ रहे थे कि शायद इस ये स्टॉप हो गया है, लेकिन ये पता चलेगा कि ये जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी फिलहाल थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हो रहा है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं अभी भी डर है कि ये कहीं फिर से वो शुरू ना हो जाएंगे दंगे। जी, सिर्फ मेरे मन पे नहीं, त्रिपुरा की हर जो पीस लविंग सिटीजन है उनके मन में अभी भी डर है। अभी भी बाहर की माहौल में यहाँ पे धर्मनगर बोले या फिर कोयलाशहर बोले या फिर जहां जहां पे ये सब इंसिडेंट हुए वहां के माहौल में अभी भी तनाव है। ठीक है, ओके। अच्छा अंतरिप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अभी सुल्तान हमारे साथ, सुल्तान ने जितने इंसिडेंट शेयर किए हैं, क्या आपको क्या लगता है कि मतलब इतना सब सुनने के बाद कि ये क्या हो रहा है वहां पे? और आप अच्छा, आपको आपके पास कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है कि जहाँ पे ऐसा हुआ हो कि दूसरी जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी वहां की, जिन पे एक्चुअली अटैक हो रहा है, क्या उन्होंने भी कहीं पे हिंसा की है, ऐसे रिपोर्ट्स हैं, या उन्होंने कहीं पे रिटेलिएट किया है, या वो बिल्कुल शांति से बैठे हैं? देखिए, उन लोगों ने कुछ शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, माइनॉरिटीज जो हमारे भाई है यहाँ पे, उन्होंने कुछ शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, स्वाभाविक है कि वो लोग आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ है। लेकिन उस शांतिपूर्ण आंदोलन को भी मतलब वो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इसको रोकने की कोशिश की है कुछ कुछ जगह पे, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, बस मंदिर और मस्जिद को भी नहीं, मंदिर को भी कुछ कुछ जगह अटैक किया गया है। तो ये पूरा घटना जो है ये कोई धर्म और मजहब का बात है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बोला ये है ही नहीं वहां पे, ये बात ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एक एजेंडा है, कुछ भी नहीं, सबको पता है। हम लोग जो हिंदू भाई है वो मुस्लिम से नहीं डरते, प्यार करते हैं उससे, और जो मुस्लिम भाई हमारे है यहाँ पे त्रिपुरा में, वो लोग भी हिंदुओं से नहीं डरते, क्योंकि हमारे यहाँ सामने काली पूजा है दुर्गा पूजा के बाद, और काली पूजा में हमारे यहाँ जो मेला होता है सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग ही यहाँ पे आते हैं, और जब मुस्लिम लोगों का ईद होता है, त्योहार होता है बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे हम लोग भी जाते हैं, शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ पे कम्युनल डिसहार्मनी था ही नहीं इतने सालों, इसने 30-40 साल से ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे यहाँ। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अचानक से ये सब लोगों के माइंड में कैसे चला आया, तो इलेक्शन से पहले ही ये लोग वो चालू कर देते हैं ताकि एक अनरेस्ट चलता रहे। जैसे कि बोला मैंने, जो असली मुद्दा है ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भड़काना, हटाना, यही चलता रहता है उन लोगों का हमेशा। ये जो बीच है ये कम्युनल डिसहार्मनी के, ये वो पहले जब हमारी सरकार बनाए तब से ही डाल दिया बच्चों के अंदर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उस मजहब से बिलोंग करता हूँ, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, ये सब अंदर डाल देते हैं, बोलो ट्रेनिंग करवा देते हैं, ब्रेन वॉश करवा देते हैं लोग। ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये एक हमारा ये देश सेकुलर कंट्री है, इसको वो लोग नॉन सेकुलर को मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ चल रहे हैं, इसके खिलाफ चल के वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये सब सिस्टम से आउट हो जाएंगे। अच्छा सुल्तान, मैं आपसे आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगा जी। तो आप सुल्तान मुझे ये बताइए कि वहां के जो आपका जो कार्डर है वो ग्राउंड में काम कर रहा है, काफी लोग उसे कांटेक्ट में होगा, तो आप थोड़ा सा आइडिया दें हमें कि वहां के जो मुसलमान है अभी कैसा फील कर रहे हैं, वो इतना सारा जो डर है, इतनी सारी वायलेंस के बाद वहां के मुस्लिम कैसा फील कर रहे हैं?
अभी तो मुस्लिम से डरे हुए हैं, ऐसा भी है कि जहाँ पे मुस्लिम लोगों की आबादी कम है वहाँ से, मतलब जो लोग टाउन पे रहते हैं वहाँ से उठ के जो जिस जहाँ पे आबादी है गांव की तरफ जा रहे हैं। हमारे गांव के पास भी ये हुआ है, तो पूरे त्रिपुरा में मुस्लिम में एक डर का माहौल है। तो इसको तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट लेके जल्दी होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से गवर्नमेंट और इसके साथ में हिंदू भाई है पर्सनली और उनको कॉन्फिडेंस दिए ताकि एक माहौल तैयार हो, ये दरार फैलाने की कोशिश। अगर हम कम करें तो ठीक है। सुल्तान आप यही कह रहे हैं कि जो वहाँ पे मुसलमानों के अंदर जो है काफी डर का माहौल है, और आप ये आशा करते हैं कि ऐसे कदम उठाए जाए ताकि एक कॉन्फिडेंस मुस्लिम्स के अंदर आ जाए कि जी वो सेफ है स्टेट में। हम भी यही आशा करते हैं कि त्रिपुरा की स्टेट में जो है अभी अमन आ जाए, अमन अमन बहाली हो वहाँ पे, और जो वहाँ के लोग हैं वो फिर से, जैसे अंतरिप कह रहे थे कि काफी कम्युनल हारमोनी में लोग रह रहे थे, अभी कुछ सालों से ही बीजेपी ने ये जो नफरत के बीज है जो बोए हैं, तो हम भी यही आशा करेंगे कि वहां पे वापस वैसी ही कम्युनल हार्मनी आ जाए और लोग फिर से खुशी खुशी रहें और ये जो दंगे हैं, ये सारा जो वायलेंस है, ये सिलसिला पूरा थम जाए। तो इसी बात से मैं आप दोनों गेस्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे शो पे आए और आपने हमारे दर्शकों को जो है वहां की ग्राउंड रियलिटीज बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू।